हम ये बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत जी से कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? हम दोनों म्यूजिशियन थे, वो मैंडोलिन बजाते थे, वेरी गुड मैंडोलिनिस्ट, मैंडोलिन जी जी, और मैं वायलिन, तो हम रिकॉर्डिंग में मिला करते, तो एक ही उम्र थी हमें बहुत, मैं 13-14 साल का, वो 16-17 साल की, तो खाना साथ में, बैठना साथ में, क्योंकि बाकी लोगों को एज ज़्यादा थी जी जी। तो वहाँ से मिलते, फिर लक्ष्मी जी ने मुझे किया कि भाई कैलाश जी भाई कह लेके गए, और बोला तुम अरेंज नहीं कर सकते तो करो, तो लक्ष्मी जी असिस्टेंट थे उनके और मैं अरेंजर। अच्छा, तो कैलाश जी भाई ने, आनंद जी भाई ने हम लोग को बहुत हाथ दिया, और हम जो भी बने हैं इस पर लता जी का बहुत बड़ा हाथ है, लता जी का आशीर्वाद है, उसी लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आज दुनिया के सामने हैं। आपने उनसे एक कैबरे गाना भी गवा लिया था, और वो सुपर डुपर हिट हुआ है, कैबरे जब नाम आता है तो वो गाना सबसे पहले जहन में आता है सबके। दन 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 जाने जा मेरा ये हुस्न जवां 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 तेरे लिए प्यास लगाए ओ जालिम आ जाना। ताज्जुब भी होगा कि मटन बिरयानी 1 रुपये प्लेट मिलती थी, क्या बात, तो आधा आधा प्लेट मंगाते थे और डबल रसा मार के मतलब एंजॉय करते थे लाइफ को। और उसके बाद में क्या कि हम हमेशा बैठ के काम करते थे, धुन बनाते, तो जाके 1960 में हमको 2-3 पिक्चरें मिली लेकिन वो बनी नहीं, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड 63 पिक्चर जब आई तो पारस मणि ने हमको पूरा, पारस मणि एक ऐसी चीज़ है उसको छू लो तो सोना अपना जो भी चीज़